अगर कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए आपको वर्णमाला, जैसे आप लोग बताओ अलंकार भी पढ़ाए तो उस वर्णमाला का जिक्र हुआ था ना, है ना, तो लेकिन ज्यादा उसमें वर्णमाला का जिक्र नहीं हुआ था, इसीलिए आप लोग एक अलंकार टॉपिक पढ़ा दिया। लेकिन आप इसके बाद में जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आपका वर्णमाला का बहुत सारा जिक्र है, इसलिए वर्णमाला पढ़ना है, ठीक है ना। पहले ये चीज जानेंगे कि वर्णमाला होता क्या है, है ना। जानते हो वर्ण, समझते हो वर्ण, समझते हो, जैसे आप बोलते हो क, आप बोलते हो आ, आप बोलते हो म, आप बोलते हो च, आप बोलते हो र, ये सब क्या है, ये सब क्या है, वर्ण ही तो है, इसी को तो वर्ण बोलते हैं, है ना। लेकिन जानते हो क्या होता है वर्णमाला में, आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। देखो वर्णमाला में एक चीज पढ़ना है आपको ध्वनि, क्या पढ़ना है ध्वनि, छोटा सा टॉपिक है ये, कोई बड़ा नहीं है। ध्वनि के बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्ण, ठीक है, वर्ण के बाद में हम लोग पढ़ते हैं शब्द, ठीक है, शब्द के बाद में पढ़ेंगे वाक, वाक भी बढ़िया से पढ़ेंगे क्योंकि वाक से भी क्वेश्चन आता है। आप लोग ऐसे थे जिन्हें वाक नहीं पढ़ाया था, बस केवल इसका डिफिनेशन लिखवा दिया था, उसके बाद में हम लोग पढ़े नहीं थे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यानी कि वाक को हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पर वाक कहाँ से आया तो पढ़ेंगे कि हम पटना सॉरी रचना के हिसाब से वाक कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के दृष्टि से वाक कितने प्रकार के होते हैं, पूरे ये सब वाक का हम लोग मतलब का भेद पढ़ेंगे। उसके बाद में इस वाक के बाद में एक चीज आता है बाबू, भाषा, क्या आता है भाषा, ठीक है ना। यानी कि वर्णमाला में इतना सरल चीज है, एक आता है आपका ध्वनि, एक आता है वर्ण, एक आता है शब्द, एक आता है वाक और एक होता है भाषा। यानी कि ये आपको पांचों टॉपिक किसमें पढ़ना है, वर्णमाला में। अगर ये पांचों टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं तो हम लोग का वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बाबू ये ध्वनि होता क्या, किसको हम लोग ध्वनि कहते हैं, ठीक है ना, ध्वनि किसको बोलते हैं, ठीक है ना जी। सिंपल चीज है, देखो भाषण सुनते रहो आप लोग, सब चीज लिखवाएंगे, सब चीज बता देंगे, है ना। ध्वनि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है ना, नीचे आवाज मेरा जाता होगा, जाता है ना जी। लेकिन नीचे जो आवाज जाता होगा ना, तो लोग क्या है ना, वो जो लोग नीचे से गुजरते होंगे ना, उनके कान में मेरी आवाज तो सुनाई देता होगा, लेकिन उसको दिखाई दे रहा है कि आवाज कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर से आ रहा है कि सेकंड फ्लोर से आ रहा है कि बगल वाले रूम से आ रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके कान में तो सुनाई दे रहा है ना, ठीक है। तो यानी कि ध्वनि उसी को बोलते हैं जो सुनाई देता है और दिखाई नहीं देता है, यानी कि जो सुनाई देता है और दिखाई ना दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बाबू, ध्वनि बोलते हैं। बोलो किसी को डाउट, है ना। देखो इसमें ये ध्वनि पढ़ने के लिए क्वेश्चन इसलिए आता है, इसमें भी आता है क्वेश्चन, पूछ देता है क्वेश्चन कभी कभी कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं। जैसे मौखिक भाषा समझते हो, भाषा कितने प्रकार का होता है, देखो भाषा जो होता है ना मुख्य तौर पर हुआ दो ही होता है, लेकिन ऐसे भाषा तीन प्रकार के भी होता है, एक होता है लिखित भाषा, एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है संकेतिक भाषा। जैसे आप लोग ये टीचर की तैयारी करोगे तो उसमें एक और भाषा आ जाता है, एक आता है संकेतिक भाषा, ठीक है ना। तो मौखिक भाषा किसको बोलते हैं, जैसे क्या होता है कि आप मुंह से बोल रहे हो, है ना, यानी कि जो लिखित नहीं होता वो क्या होता है, मौखिक भाषा होता है, और लिखित क्या होता है, यानी कि जो हम लिख करके देते हैं आपके सामने वो क्या होता है, लिखित भाषा। और एक तीसरा पॉइंट होता है संकेतिक भाषा, है ना। ये क्वेश्चन क्या होता है ना, कभी कभी ये पूछ देता है कि छोटे बच्चे जो है ना वो कौन सा भाषा का इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा, तो छोटा जो बच्चा होता है क्या चीज करता है, संकेतिक। जैसे हम लोग बड़े हो गए हैं ना, तो हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, मुंह से बोल देंगे या लिख के दे देंगे। लेकिन ये क्या आपको मुंह से नहीं बोला है तो चिट्ठी लिख करके दे देंगे, आप पढ़ लो मेरे की उधर से जवाब दे दो, वो क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। और डायरेक्ट मुंह से बोल दिए वो क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया। लेकिन वही छोटा बच्चा क्या बोलता है, ना लिख सकता है ना बोल सकता है, वो क्या करता है, आपको इशारा से समझाता है। जैसे उसको मेला ले जाओगे ना घुमाने के लिए, तो अगर उसको बैलून पसंद है तो हाथ ले जाएगा उधर, मुझे चाहिए, है ना। अगर उसको समोसा खाना है तो समोसा दिखाई देगा, समोसा की तरफ खींचेगा और इशारा करेगा, क्या करेगा, समोसा पहुंचाएगा, है ना। यानी कि अगर उसको जो चीज पसंद करेगा उसके तरफ क्या करता है बाबू, इशारा करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकेतिक भाषा, मतलब संकेत करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं संकेतिक भाषा, ठीक है ना। ये भाषा तीन तरह का हो गया, ठीक है। देखो ये ध्वनि क्या होता है, तो
पूछा जाता है कभी कभी, यानी कि मौखिक भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, क्योंकि ध्वनि में क्या होता है केवल सुनाई देता है, लिखने का तो काम है नहीं, इसलिए मौखिक भाषा की छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनि। लेकिन वही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अब उस केस में अगर आप ध्वनि बोलोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। उस केस में क्या होता है, वर्ण होता है। अब तुम कहोगे सर वर्ण कैसे होता है जी, देखो तो वर्ण वो होता है जिसको ना हम लोग खंड कर सकते हैं या टुकड़ा कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ण। इसी देखो आप आम लिखे हो ना, आप एक शब्द आम लिख दिया है ना, आम लिखे तो जानते हो ये आम जो है एक शब्द है, आम क्या है एक शब्द है, शब्द है ना। अब देखो ये शब्द जो है ये बना कैसे, तो वर्ण से बना, तो देखो कैसे बना, और इतने चीज से बना है आम, ठीक है ना। देखो आधा आ, आ तो क्या हो जाएगा आ, आधा म और आ तो क्या हो गया, तो क्या हो गया आम। यानी कि देखो आप ये जो अ है ये क्या एक वर्ण है, आ है ये क्या है वर्ण है, म क्या है एक वर्ण है, और अ क्या है एक वर्ण है, मतलब इस वर्ण को तुम तोड़ोगे टुकड़ा करोगे नहीं, जब इसको टुकड़ा नहीं करेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखो इस वर्ण में दिख रहा है ये अ भी आया है म भी आया है और भी आया है वो भी है, यही कॉज होता है कि वर्ण जो होता है दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। देखो ये हो गया स्वर और ये हो गया व्यंजन, ठीक है, इसको दो भागों में बांटेंगे, स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर क्या होता है व्यंजन क्या, तो भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा सब के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है ना जी। तो अब देखो कहानी क्या है कि ये सब क्या हो गया, वर्ण हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आम जो लिखे हो, और जैसे आप कमल लिखते हो कमल, ठीक है ना, कभी कभी आप लोग देखना छोटे बच्चे को पढ़ाते हो ना ऐसे लिखा रहता है बराबर, दे 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 दे, क्या होगा, ठीक है ना। और उसको कहा जाता है कि इसमें भरो भाई, ठीक है ना, तो क्या भरेगा, क म ल, ठीक है, इसमें क म ल, क मिला म मिला ल मिला तो क्या बटा कमल। देखो ये जो क है ये क्या है, वर्ण। लेकिन जानते हो ये कमल कैसे बना है, तो देखो आधा क आपने तो ये शॉर्टकट लिखा है, ये बना ऐसे है, इतने वर्ण से मिलकर के कमल बना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं ना उसमें स्वर की एंट्री होती है, क्योंकि बिना स्वर का व्यंजन होता ही नहीं है, यही तो आप प्रिपरेशन पढ़ते हो कि जो स्वरों की सहायता से बनता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। फायदा कहाँ से हुआ, इसका काम के हिसाब से आप बता हुआ, क बोलते हो क तो क तो क में क्या आया आ, म बोलते हो तो म में क्या आया आ, च बोलते हो तो च में क्या आया आ, यानी कि बताओ बिना अ का क बोलोगे, बिना अ का प बोलोगे, बिना अ के कोई व्यंजन बोल के दिखाओ तो बोलो बोलो, बोल पाओगे तो बोलो, बोल पाओगे नहीं ना बोल पाओगे, यानी कि बिना स्वर के सहायता से व्यंजन बनता ही नहीं है, यही तो होता है स्वरों के सहायता से जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट, तो वर्ण में क्या बोले जी, वर्ण में क्या हुआ जी, वर्ण में क्या हुआ, यानी कि जिसको हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। तो क को टुकड़ा करोगे, क को टुकड़ा करोगे नहीं ना करोगे, आप अ का टुकड़ा करोगे नहीं करोगे। देखो कहीं कहीं वर्ण को अक्षर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है जी, अक्षर, वर्ण को क्या बोलते हैं, अक्षर। देखो क्या होता है ये आ, आ, ये क अक्षर है, प अक्षर है, च अक्षर है, आप बताओ बताओ तो आप बोलते हो बी, अंग्रेजी में बी, तो बी को क्या बोलते हो, लेटर, लेटर बोलते हो ना। तो आप यहाँ पर क बोला था, क भी क्या एक अक्षर है, तो वर्ण को आप क्या बोल सकते हो, अक्षर भी बोल सकते हो। अगर कहीं कोई पूछे या कोई क्वेश्चन दे दे तो आप समझ जाना कि वर्ण भी क्या होता है बाबू, अक्षर होता है। बोलो कोई डाउट, तो ना आपको वर्ण में दिक्कत है,
ना आपको अक्षर में दिक्कत है, ध्वनि थोड़ा सा बताइए भी, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, एक शब्द होता है, इस शब्द का खानदान भी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे वर्ण हुआ ना, तो वर्ण में स्वर व्यंजन हुआ, तो स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर कितने प्रकार के होता है, कैसे कैसे उस स्वर का यूज करते हैं, पूरी कहानी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पीडीएफ भी डाला हूँ, पीडीएफ भी बता देंगे, अगर पीडीएफ से होगा तो लिखवा भी देंगे, जैसे होगा सब चीज कर देंगे, ठीक है ना जी। अब देखो शब्द, शब्द क्या होता है, तो जाहिर सी बात है अभी बताया हूँ कि वर्ण मिल करके क्या बनता है, शब्द। वर्ण मिल करके क्या बनता है, शब्द। तो आप अभी आप लिखे यहाँ पर आम, लिखे हो आम, इसमें कैसे बना हो, तब नाम बना। ये सब क्या है, वर्ण है, ये सब क्या है, वर्ण है, तो वर्ण मिला तो कब बना, सब, ठीक है। तो वही पढ़ते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ऐ लड़का जब हम समझा रहे हैं तो समझो ना, लेकिन देखो पीडीएफ डलवे किए हैं, निकाल देबो वही पर अंडरलाइन कर देबो, 10 मिनट में खत्म। तू बम बम भगवा बम, हमारे पास से नाले छुट्टी, कहानी खत्म, है ना। एक बार भाषण दे देती नहीं तोड़े खातिर, तो तू लोग सुनो, है ना, फालतू में हम लोग डिस्टर्ब करता है, दिमाग ना चल जाता है भाई, अरे तो बतियाना होगा तो उन्हें कोना उड़ी पहचाना ना, हमारा दिमाग नहीं जाएगा तो हम लोग टेंशन नहीं होगा, नहीं तो हमारे क्लास में कोई बतियाता है ना, बड़ा दुख होता है, इसलिए क्योंकि पढ़ाते हैं तो दिल से, जितना देरी पढ़ो, है ना, अरे तो नहीं पढ़ाते हैं काम करता, इसलिए गुस्सा बढ़ता है, अगर दिल से नहीं पढ़ाते तो गुस्सा नहीं बढ़ता, है ना। देखो देखो ये शब्द क्या होता है, तो मैंने क्या बोला कि वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं बाबू, शब्द सार्थक मेल, इसलिए कहते हैं कि देखो आप अगर लिख रहे हो क प्लस प्लस ल बराबर क्या होता है, देखो ये क प्लस म प्लस ल, ये तीनों वर्ड जो जुड़े हैं ना, तो जुड़ने के बाद इसका सार्थक मेल होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगर आप बोल दो म प्लस ल प्लस क बराबर मलक, ये मलक कोई शब्द है, मलक कोई शब्द है नहीं, ठीक है। तो बताओ ये इसमें भी तो वर्ण मिला है, ए भी वर्ण, ए भी वर्ण, ए भी वर्ण, वर्ण 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 वन 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 बराबर शब्द होता है, इसको भी तो शब्द बोलेंगे, लेकिन इसको शब्द नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ होता ही नहीं है, हाँ जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वो शब्द नहीं कहलाता है, है ना। अब बताओ इंग्लिश में आप लिखते हो टाइगर, टाइगर मीन्स क्या होता है बाबू, बाघ, ठीक है ना। इसमें देखो टी मिला, आई मिला, जी मिला, ई मिला, आर मिला, तब तो टाइगर बना, तो आप लिख दो यहाँ पर ई, ठीक है, आर टी आई, उसके बाद में टी आई जी, सब तो मिल गया, ई भी है, आर भी है, आई भी है, टी भी है, जी भी है, मतलब इसका कोई अर्थ होता है, डिक्शनरी में जाके देखो तो कोई अर्थ होता है नहीं, जब इसका अर्थ नहीं होता कि ये वर्ड कहलाएगा नहीं, जब ये वर्ड नहीं कहलाएगा ये, तो ये शब्द कहलाएगा नहीं कहलाएगा, यही हम लोग डिफिनेशन तो पढ़ लेते हैं, वर्णों के मिलने से बनता है जो शब्द कहता है, या अगर ये बात कहोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं बाबू, शब्द, यानी कि जिसका सही अर्थ होना चाहिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द। बोलो किसी को डाउट, ये बात समझ में आया, तो देखो अब इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं भाई, इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि शब्द आया कैसे, है ना, शब्द कैसे प्रकार होते हैं, इसका भी भेद पढ़ते हैं, है ना। जाहिर सी बात है वर्ण हुआ तो वर्ण का भी खानदान चलता है, इसका भी तो खानदान चलेगा ना जी, है ना। इसमें भी पढ़ते हैं बहुत सारा चीज, इसमें पढ़ेंगे शब्द आया कैसे, ठीक है ना, शब्द आया कैसे, शब्द बना कैसे, शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ, ये शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, ये शब्द में परिवर्तन कैसे होता है। अब शब्द का भी तो परिवर्तन करते हैं, लड़का के लड़की बना देते हो, घोड़ा के घोड़ी नहीं बनाते हो, परिवर्तन तो करते हो ना, ठीक है ना, ये परिवर्तन कैसे होता है, है ना, तो परिवर्तन के हिसाब से पढ़ेंगे। अरे भाई शब्द आया कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से हुआ, तो उत्पत्ति के अनुसार से बनेंगे। अरे अगर ये शब्द आप बनाए हो अभी, ठीक है, आपने कलम लिखा, कलम एक शब्द लिखा ना, ये कलम कैसे लिखे, कम ल म, ये शब्द बना कैसे, तो बनावट के हिसाब से पढ़ते हैं, है ना। और ये कलम आया कहाँ से, आया ना भाई कहीं से, है ना। आप बोलते हो सूरज, तो सूरज भी तो एक शब्द है, आप बोलते हो पुत्र, पुत्र भी तो एक शब्द है, है ना, आप बोलते हो वर्षा, तो वर्षा भी तो एक शब्द है ना भाई। अगर मैं आपसे पूछू ना कि वर्षा एक शब्द है, तो बताओ ये वर्षा आया कहाँ से, यही हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ से आया कहाँ से, तो उत्पत्ति के अनुसार,
क्या पढ़ते हो जी? उत्पत्ति के अनुसार। और उत्पत्ति के अनुसार आप शब्द कितने प्रकार के पढ़ते हो? उत्पत्ति के अनुसार शब्द लगभग 5 प्रकार का होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और क्या बोलते हैं जी, नहीं संकर शब्द या उसको द्विज शब्द भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग 5 प्रकार के शब्द पढ़ लिए। कहां से उत्पन्न, कहां से, जैसे ये वर्षा जो शब्द कहां से आया जी? ये संस्कृत से आया हुआ, ठीक है ना। ये कहां से आया? संस्कृत से आया हुआ। और जो संस्कृत से पैदा होता है उसको तत्सम शब्द बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको शब्द में, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आप लोगों को आता है, तत्सम तत्व हम लोग अच्छे ढंग से कर लेंगे इस बार, है ना। और इस बार अच्छे ढंग से करने के अलावा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मेन तो प्रैक्टिस है। आप लोगों को तो पढ़ाया टीवी में थे, लेकिन प्रैक्टिस ना होने के कोच क्या था कि हम लोग पास बोर्ड नहीं था, बोर्ड हो गया है तो पूरा जम के टोटल तत्सम तत्व हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बच में नहीं करेगा। एग्जाम में जाओगे वही में से रहेगा, कोनो मार लो कहां नहीं खा। जब यहाँ पर देखे रहोगे तो वहां पर देखा हुआ चीज जब आता है सामने तो याद नहीं रहता है, ठीक है। ऐसा चीज आएगा ना तो पहली बार देख लो तो कंफ्यूजन हो जाओगे, और जब देखे हुए रहोगे और वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बस टिकिया दे रहा है। तो जो भी आप लोगों को पीडीएफ यहाँ पर बताएंगे, आपके पीडीएफ का होगा ग्रुप में भी डाल देंगे, है ना। इसलिए आप लोग अपने ग्रुप पे जो भी, अगर आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर देना, व्हाट्सएप नंबर देना, है ना, एडमिशन लोगे उसको व्हाट्सएप नंबर देना, क्योंकि बिहार पुलिस का अलग ग्रुप बनेगा, ग्रुप में मटेरियल जाएगा। तो प्रैक्टिस हम लोग ज्यादा यही पर करेंगे, बस आपको रात में एक बार उसको देखने के लिए दिया जाएगा। इसके लिए जी देख लो, क्वेश्चन सब तो टोटल हम यही करेंगे बोर्ड पर, है ना। लेकिन आप एक बार रात में देख लो, कहीं फालतू में बैठे हो कहीं, एक बार पलट करके देख लो, उसके लिए देंगे बस, है ना। बाकी सब तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना जी। देखो ये शब्द जो है उत्पन्न कहाँ से हुआ, तो उत्पत्ति के हिसाब से, ठीक है ना। और ये शब्द मतलब का पाना कैसे, एक होता है व्युत्पत्ति, क्या होता है व्युत्पत्ति, जानते हो बाबू? कभी कभी कंफ्यूजन होता है, देखो कंफ्यूजन क्या होता है, लड़का उत्पत्ति और व्युत्पत्ति एक के समझ लेता है ना, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति एक के समझ लेता है, उसको लगता है कि दोनों एक है, तो वहां पर गलत कर लेगा। देखो उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न, अब व्युत्पत्ति का मतलब देखो, बहुत से व्युत्पत्ति बहुत से माना, बहुत से व्युत्पत्ति बहुत से बाना, तो यानी कि बाना कैसे, तो क्या होता है व्युत्पत्ति के अनुसार, यानी कि उसी को व्युत्पत्ति का दूसरा नाम होता है बनावट, क्या होता है दूसरा नाम बनावट, और बनावट का और भी दूसरा नाम होता है रचना, क्या होता है जी रचना। अगर पूछा जाए रचना के हिसाब से, अगर पूछा जाए बनावट के हिसाब से, अगर पूछा जाए व्युत्पत्ति के हिसाब से, तीनों एक ही चीज होता है भाई जी, ठीक है ना। तो व्युत्पत्ति के हिसाब से भी वही होता है, रचना के हिसाब से भी वही होता है, और आपका यानी कि बनावट के हिसाब से भी वही होता है। यानी कि इस व्युत्पत्ति के हिसाब से शब्द 3 प्रकार का होता है, एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द, ठीक है ना। उसकी भी कहानी हम लोग करेंगे, किसमें बाबू शब्द, ठीक है ना। ये बना ऐसे उत्पन्न कहां से हुआ, ये उसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे। परिवर्तन के हिसाब से भी 2 प्रकार का होता है, विकारी और एक होता है अविकारी। अर्थ के हिसाब से पढ़ेंगे, अर्थ के हिसाब से भी 2 होता है, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक का मतलब समझते कर तो जिसका सही अर्थ होता है, और निरर्थक का मतलब होता है कोई अर्थ होता ही नहीं। और एक चीज और भी होता है, ये जो निरर्थक शब्द है ना हमेशा सार्थक शब्द के साथ आता है, अकेले आता ही नहीं है। जैसे आप लोग बोलते हो ना पानी ओनी पी लीजिए ना, तो पानी तो बेचारा पिए भी करेगा, ओनी कैसे पिएगा। वो आता है घर में ना, खाना वाना खाई लीजिए, खाना वाना खा लीजिए, खाना तो खाएगा ओना खा लीजिए, ठीक है। कोई तो मिठाई वठाई खाइएगा, बेचारा मिठाई तो खाएगा उठाई क्या खाएगा, है ना। ठीक है, ये जो शब्द हम बोले हैं, सुनो, ये जो हम शब्द बोले हैं ये कभी भी किसके साथ आता है, सार्थक के साथ, अकेले आता ही नहीं है। देखिए अगर मैं बोलूँ कि 4 पी लीजिए, ये सेंटेंस सही है, वही नहीं भी डालोगे ना तो चलेगा, 4 पी लीजिए ठीक है। लेकिन अगर किसी से बोलो ना वही पी लीजिए, चाय वही बोलोगे तो चलेगा, मिठाई उठाई खा लीजिए तो समझिएगा, कोई बोले गलत नहीं बोलेगा। किसी बोलेगा कि मिठाई उठाई खाइएगा, चाहे मिठाई उठाई खा लीजिए, तो आपको गलत नहीं समझेगा। लेकिन अगर कि मिठाई हटा दो तो आपको उठाई खा लीजिए, ये कोई नया आइटम है ना, लिया हुआ तो नहीं देखा था, है ना, है कि नहीं जी। तो ये कभी भी ये जो उठाई जो शब्द बोले हो, ठीक है, चाहे वही जो शब्द बोले हो, ये किसके साथ आता है बाबू,
सार्थक शब्द के साथ आता है, ठीक है ना। इसीलिए शब्द को दो अर्थ के हिसाब से दो होता है, सार्थक और निरर्थक। जैसे आप बोलते हो राम आम है ना जी, राम एक क्या है शब्द, आम क्या है शब्द, आम क्या है शब्द, है ना जी। देख लो भाई, इसमें राम मिला, आम मिला, खाना मिला, तो क्या बना, एक वाक बना, क्या बना जी, वाक। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वाक। यानी कि देखो, पहले का मतलब हुआ कि वर्ण मिलता है तो शब्द बनता है, और शब्द बनता है, शब्द मिलता है तो क्या बनता है, क्या बनता है जी, वाक। और एक चीज पता होना चाहिए, ये जो वाक होता है ना, ये जो वाक होता है ना, इस वाक के दो अंग होता है, ठीक है। ये तो वाक का डिफिनेशन हुआ, लेकिन किसी भी वाक को बनाने के लिए उसका दो अंग होता है, एक होता है विदेश और एक होता है उद्देश्य। नाम सुने हो, उद्देश्य और एक विदेश, ये नाम सुने हो, एक दो तीन सुने हैं, थोड़ा सा कुछ बता दो, सुने हैं नाम फिर सुने, क्या बता, क्या होता है और भी कुछ बताऊंगा, ठीक है ना जी। देखो यानी कि देखो, ये जो वाक होता है ना, इस वाक के दो अंग, एक होता है उद्देश्य और एक विदेश, और उद्देश्य विदेश किसको बोलते, कर्ता और क्रिया। यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या होगा, ये जो वाक होता है ना, इस वाक का अंग कौन कौन हो गया जी, एक कर्ता क्रिया। यानी कि अगर दुनिया के किसी भी वाक को बनाना है ना, उसमें कर्ता होना चाहिए। अगर सब कुछ रहे लेकिन अगर कर्ता ना रहे तो शब्दों की कभी वाक बनबे नहीं करेगा। सब कुछ रहे अगर क्रिया ना रहे तो वाक बनबे नहीं करेगा। तो तुम अगर चार उसको प्रूफ करने चाहते सामने ही है, तो प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बताओ। राम ये बचपन से पढ़े हो, इसी को हम पढ़ाते हैं, सब कोई सीता राम आप खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ ना जी, वही चंपल जाते हैं। देखो राम आप खाता है, ये वाक है ना, और मैं अभी बोला हूँ कि वाक के कितने अंग होते हैं, दो। एक होता है कर्ता, एक होता है क्रिया। वो स्कूल जाता है, वो जाता है। यानी कि देखो, हमने राम को हटाया तो गड़बड़, हमने खाना को हटाया तो गड़बड़, लेकिन हमने यहाँ पर आम को हटाया तो कोई गड़बड़ नहीं है। एक मीन्स क्या पता चल रहा है कि अगर सेंटेंस में कर्ता और क्रिया में से दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो वाक कहलाएंगे नहीं रहेगा। यही कहा जाता है कि वाक के कितने अंग होते हैं, है ना, ये अंग हो गया। उसके बाद में वाक का भेद भी होता है, ठीक है ना। तो वाक का भेद भी होता है, जैसे हम लोग अर्थ के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है ना, रचना बनावट के हिसाब से भी पढ़ते हैं। यानी कि बनावट के हिसाब से वाक के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक, एक होता है मिश्र वाक, और एक होता है संयुक्त वाक, है ना। सरल किसको कहेंगे, संयुक्त किसको कहेंगे, मिश्र किसको कहेंगे, इसे घोषण आप लोग एग्जाम में आता है, याद में इसमें आता है, है ना। हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, है ना, और वैसे पढ़ेंगे ना कि इसमें भी कंफ्यूजन होता है। देखो सरल में कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन मिश्र और संयुक्त में कंफ्यूजन, कभी कभी सरल में भी कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें भी आता है। योजक ऐसे काम होते हैं अभ्यास, उसमें भी आता है, जैसे ये काम होता है जोड़ने, टेंशन जहाँ टेंशन वहां पर, जहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है ना, वहां पर हम राम मान जरूर देते हैं कि आपको प्रॉब्लम, किताब में नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेकिन मेरे यहाँ सॉल्व हो जाए। किताब में पढ़ोगे वो भी एग्जाम्पल दिया है, वो भी एग्जाम्पल दिया है, लेकिन तू पढ़ के देखो ना, चाहे दूसरे के किताब हो, चाहे उतार के किताब हो, हम वह सब किताब पढ़ते हैं, जरूरी काम नहीं पढ़ते हैं। मार्केट में कितना किताब होगा, तुम पढ़ो नहीं क्या होगा, हम देख लेते हैं, हिंदी का हो जो सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, देखता हूँ जरूर कौन अपना क्या थिंकिंग दिया होगा, तभी तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल देता हूँ, इसमें हाई निकाला है, उसमें हाउ निकाला है, इसमें हाई निकाला है, सबको हमें, है ना जी, सबको बताते हैं ना। तो उस
सब चीज आपको उसमें मिलेगा नहीं, है ना। लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करेंगे, तो हम लोग पूरी तरह से संयुक्त मिक्स और सरल कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और भी होता है, आठ के हिसाब से भी होता है, कर्म के हिसाब से आठ प्रकार का होता है वार, ठीक है ना। इसे आप लोग पढ़ते हो ना, ये सर्टिव निगेटिव इंपेटिव सब पढ़ते हो ना, ये सब चीज भी हम लोग करेंगे इसमें। किसमें? वाह। और वाह के बाद में लास्ट क्या आता है? भाषा। भाषा होता क्या है? भाषा क्या होता है? अभी मैं आपके सामने परफेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कभी हिंदी बोल रहा हूँ, कभी भोजपुरी में आ जा रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजी में नहीं आ रहा हूँ, कभी अंग्रेजी में भी आ जाऊंगा। ये क्या है? इसका भाषा, ठीक है। आप अपनी बात को, हम अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूँ, कभी हिंदी में, कभी भोजपुरी में, कभी इंग्लिश में, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति को ही ताकत देना। अपने बात को आपके सामने किसी ना किसी भाषा में रखते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं भाषा। और यही भाषा में तो आता है, लिखित भाषा, बातचीत भाषा, अंग्रेजी भाषा। लिख करके भी बता रहा हूँ, लिख करके समझ में आएगा, बोल कर बता रहा हूँ, बोल करके समझ में आएगा, इशारा करके बता रहा हूँ, वही होता है आपका। इतना सारा चीज आपको पढ़ना है, इसमें बोलो भाई सबके बारे में कुछ कुछ बता दिए। यस सर। चले अगर खेला सर। चल।